स्मार्ट लोगों की पसंद फ्रेश मार्ट। महानगरों के बदलते बाजारों की श्रृंखला अब पांडुर्णा में। बांबल बंधु लाए हैं फ्रेश मार्ट सुपरमार्केट, किराना एंड जनरल, डेली नीड्स, ड्राई फ्रूट्स, किराना, बिस्किट एंड चॉकलेट, क्लीनिंग प्रोडक्ट और बहुत कुछ एक ही छत के नीचे। सभी सामान डेली डिस्काउंट के साथ। फ्रेश मार्ट सुपरमार्केट, पता SBI ATM के बाजू में, महेश्वरी कॉम्प्लेक्स, पंचशील चौक, पांडुर्णा। छिंदवाड़ा जिले के पांडुर्णा तहसील में पांडुर्णा और सावर गांव, दो गांवों के बीच से बहने वाली जाम नदी के तट पर विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक गोटमार मेला खेला जाता है। वर्षों पुराने ऐतिहासिक गोटमार खेल का दिन आते ही खेल के दौरान मरने वाले परिवारों में मृतकों की यादें ताजा हो जाती है, आंखें नम हो जाती है और कंठ रुआंसे। अपने महत्वपूर्ण सदस्य खोने का गम परिवारों की आंखों में दर्द बनकर छलकता रहता है। परिवार के लिए यह दिन शापित सा होता है। परिवारों से बातचीत में उन्होंने प्रशासन पर खेल को बंद करने के बजाय बढ़ावा देने के आरोप लगाए। गोटमार खेल में पत्थर लगने से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। हर साल खेल खेलने वालों के परिवारों में यह दिन चिंता वाला साबित होता है। गोलीबारी में गोली लगने से हुई थी कोटीराम सांबारे की मौत। 25 अगस्त 1987 का दिन आज भी सांबारे परिवार के लिए अविस्मरणीय है। इस दिन आयोजित गोटमार मेले में पुलिस ने फायरिंग का आदेश दे दिया था। एक दुकान के पीछे छिपने गए कोठीराम सांबारे को गोली लगने से मौत हो गई थी। उनके दोनों भाई रमेश और रत्नाकर सांबारे आज भी गोटमार के आते ही अपने भाई को याद करते हैं। हमारा सबसे बड़ा सेकंड नंबर का भाई स्वर्गीय कोठीराम सांबारे जी, इनकी मृत्यु लगभग 1984 में मृत्यु हो चुकी थी गोली फायरिंग में। तब से हम लोग दुख की पीढ़ी में हम लोग हर साल गोटमार मेला आता है तो पूरा परिवार हम लोग दुख के इसमें हम लोग रहते हैं। हम ये चाहते हैं गोटमार मेला अच्छी शांतिपूर्वक रहे, किसी का चोट ना पहुँचे ना कुछ होए। जब से हमारे भाई की डेथ हुई उस दिन से हम लोग गोटमार मेला के दिन खेलने वाले खिलाड़ी से निवेदन करते हैं कि शांतिपूर्वक आप गोटमार मेला को अच्छे ढंग से निभाए। 4 सितंबर 2005 की दोपहर को जाम नदी पर गोटमार खेल में झंडा तोड़ने के लिए गए घनपेट निवासी जनार्दन सांबारे को पत्थर लगने के बाद वे पुलिया के नीचे गिरकर डूब गए थे, जिससे उनकी जान चली गई थी। खेल खत्म होने के बाद उन्हें गोताखोरों ने बाहर निकाला था। स्वर्गीय जनार्दन सांबारे की पत्नी रेखाबाई और पुत्र अंकेश ने विपरीत परिस्थितियों से जूझकर अपना जीवन को संभाला। वे इस खूनी खेल को बंद करने की मांग करते हैं। जब आपके पिताजी की मृत्यु हुई कैसे हुई और उनकी क्या उम्र थी उस समय? उम्र थी सिर्फ 45 साल की उम्र थी और वो गोटमार मेले में गए। उस समय उनको पत्थर लगे, वो पानी में गिर गए। वहाँ पे तब पुलिया में वो साइडिंग भी नहीं थी, कुछ पकड़ कुछ भी नहीं थे वो पुलिया में। तब वो गिरे वहाँ पे पानी में गए और उनकी मौत हो गई वहाँ पे, किसी को पता भी नहीं चला। बाद आमच्या जीवनाला खूप तकलीफ झाली आहे। आमच्या शेतीवाडीचं नुकसान झालं, माझ्या पोराचं शिक्षण कमी झालं, एका पोराला मला शिकायला नाही भेटलं, लहान पोरगा आहे मला। तुम्हाला काही बोलायचं आहे आणखी जे उद्या खेळायला जाणार आहे त्यांच्या विषयी? ते पोरं वाळू गेले नाही पाहिजे, खूप दिक्कत होते, पण बंद करून टाका म्हणा त्याला असं आमचं म्हणणं आहे। फक्त मेला भरावा। गंभीर चोट लगने से हुई थी देवानंद की मौत। 9 अगस्त 2011 में गोटमार खेल रहे देवानंद वघाले को सर पर गंभीर चोट लगी थी, वह डूबने लगा था। खिलाड़ियों ने दौड़कर बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। नागपुर रेफर किया गया जहां मौत हो गई थी। देवानंद ने अपने पीछे पत्नी, माँ समेत दो बेटियों और एक बेटे को छोड़ गया था। गरीबी में पत्नी इंदिरा ने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। गोटमार के दिन यादें आंखें नम कर देती है। प्रशासन ने परिवार को आज तक कोई मदद नहीं की। आज का परिस्थिति है तुमची, का सामना करना पड़ता है? एवढा शिक्षण शिकले पोरं बार काहीच तरी सुविधा काहीच नाही मिळून राहिली आहे। शिक्षणाचा करता ते लेकरांना घरी त्रास देते, काय करावा काय नाही, आपण भी त्याच्या करता आपण भी परेशान आहे त्याच्यानं। तुमची जी परिस्थिती आहे देवानंद भाऊच्या मृत्यू झाल्यानंतर परिस्थिती खूप म्हणजे बेकार डाऊटच आहे ना परिस्थिती। सहायता मिळाली पाहिजे ना। अच्छा,
गोटमार का खेल सावरगांव और पांडुर्ना पक्ष एक दूसरे को पत्थर मारकर खेलते हैं, जिसमें कई लोगों की आंख, किसी का हाथ तो किसी का पांव टूट जाता है। ऐसे कई घायल हैं जो आज भी पत्थरों की मार से विकृत परिस्थितियों में अपना जीवन जी रहे हैं।